तो हे गाइस एंड तुम सभी का स्वागत है मेरी माइनक्राफ्ट की दुनिया में। और आज से मैं अपनी माइनक्राफ्ट की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि यार मेरा सही में बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था माइनक्राफ्ट खेलने का। सो अपने मन को मैं और नहीं मार सकता, तो हम अपने वर्ल्ड का नाम रखने वाले हैं नल्ला वर्ल्ड, जो कि पोकेमोन और वाई पे होने वाला है। ठीक है, डिफिकल्टी नॉर्मल है, उसकी चीट्स ऑफ हैं, एंड देखते हैं हमें कौन सा वर्ल्ड मिलने वाला है। देखो, जो मेरा सबसे फेवरेट वर्ल्ड है, फेवरेट वर्ल्ड क्या, मैं जो वर्ल्ड चाहता हूँ वो मैं चाहता हूँ आइस बायोम, क्योंकि मेरे को डेंस फॉरेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। अब देखते हैं कि हमें माइनक्राफ्ट कौन सा वर्ल्ड निकाल के देता है। और पोकेमोन की जो डायमंड सीरीज है वो भी आएगी, बस थोड़ा वेट करो, उसमें कोई कुछ दिक्कत आ रही थी, इस चक्कर में उसकी माइनक्राफ्ट डायमंड की वो आ नहीं रही है। और गाइस, ये रहा हमारा प्यारा सा नटखट सा मुन्ना सा वर्ल्ड, देख सकते हो तुम लोग। जो मैं चाहता था वर्ल्ड वो मेरे को मिला नहीं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं गाइस, जो मिल रहा है उसी में काम चलाना पड़ेगा। सबसे पहले शिप को मारो, क्योंकि हमें चाहिए बैट, और बैट के लिए चाहिए हमें शिप की वूल। ठीक है, हमें इजी, ओ वेट अ सेकेंड, व्हाट, सही में क्या गाइस, हमें हमें एक विलेज मिल चुका है गाइस पहली बार में। भाई क्या बात कर रहे हैं गाइस, सही में भाई, मेरे को यकीन नहीं हो रहा भाई, मेरा आज लक इतना बढ़िया हो सकता है सही में। मेरे को बिल्कुल लगा नहीं था कि मैं एक विलेज के पास स्पॉन होऊंगा। मतलब गाइस, इससे समझते हो हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हमें विलेजर्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, हमारे पास ऑलरेडी कितने सारे विलेजर्स मिल चुके हैं। ओ भाई कितना सही है वो, अब टेंशन खत्म हो गई हमारे पास सोने की। ठीक है, पहली टेंशन तो हमारी खत्म हो गई। पहले यहाँ पे ऐसा करते हैं, विलेजर्स के मैं बैट तो चुराने वाला नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि विलेजर्स के बैट चुराऊंगा फिर मैं तो ये डीस्पॉन हो सकते हैं, और ये तो अपग्रेड टूल है। ठीक है, पहले चलो देखते हैं यहाँ पे है क्या सीन। तो मेरी एक टेंशन तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है सही में, एक टेंशन मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई रहने वहने की। और यहाँ ऑलरेडी एक माइन है, तो इतना मेरे को सीन लग नहीं रहा कि दिक्कत होने वाली है मेरे को यहाँ पे। तो अभी देखते हैं यहाँ पे सीन है क्या, बेड वेड है, चेस्ट में कुछ है नहीं, की ओके थोड़ी सी ब्रेड है, तो ब्रेड ले लेता हूँ मैं। मेरे को ना शॉर्टकट वगैरह बता देना तुम लोग कमेंट सेक्शन में, कि एक बार में सामान कैसे उठा सकते हैं। और ये विलेज मेरे को ज़्यादा ना वो लग नहीं रहा कि उपजाऊ टाइप, उपजाऊ कह रहा मैं भी यार, क्या क्या बकवास करे जा रहा सही में। ओ भाई इन्होंने शीप भी पाल रखी है, भाई मेरा आधा काम यहीं हो जाएगा। ओके ऊपर देखते हैं ऊपर क्या है। तो मैंने फैसला कर लिया है, देखो वहाँ पे रिवर, ओ भाई वहाँ रिवर भी है भाई, कसम से अब मैं अपना घर ना यहीं बनाने वाला हूँ, मैं अपना घर यहीं पे ही बनाऊंगा। ओके पहले मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ यहाँ पे सीन क्या क्या है, यहाँ पे मैं आया था ना, चलो जो भी है। हाँ मैं नीचे वाले उसमें नहीं गया, शिट यहाँ पे क्या है, कुछ स्टोन कटर मैन है, तो जो भी है। ओके तो ये बहुत बढ़िया है, फार्मर्स, ओ भाई सही है, ये आई थिंक सामने वाला डेजर्ट बायोम है, चल ये सही है। हम हमारे पास सामने दो बायोम है, एक तरफ है हमारे पास ये वाला बायोम और एक तरफ है वो वाला बायोम। तो पहले से करता हूँ फॉरेस्ट की तरफ चलता हूँ मैं, और वहाँ पे कुछ ट्री चॉप करते हैं। ऑलराइट गाइस, मेरे पास इतने इनफ ट्रीज ये हो गए हैं, अब फटाफट से एक काम करते हैं, एक बनाते हैं क्राफ्टिंग टेबल। ठीक है, क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ रखा, उसके बाद क्या बनाते हैं, या एक बनाते हैं, अरे सॉरी आइस, मैं भी पागल हूँ सही में, स्टिक्स, स्टिक्स को यूँ रखते हैं, ये लिया ये बनाया। अब ऐसा करते हैं फटाफट से ना स्टोन तोड़ के लाते हैं, स्टोन कहाँ तोड़ूँ मैं, यहाँ पे मेरे को केव दिखाई दी थी तो वहाँ चलता हूँ केव के अंदर, और थोड़ा बहुत सामान लेके आता हूँ। यप ये रही इधर की साइड केव थी, आई थिंक यप यहीं पे केव है, थोड़ा सा कोल और ले लेता हूँ मैं, क्योंकि टॉर्चेस बनानी है, और मेरे को नीचे से ना उनकी आवाज़ें आ रही हैं सही में जॉम्बी की। बताओ यार, अभी वर्ल्ड मेरे को आए कुछ टाइम ही हुआ है, और यहाँ मेरे को जॉम्बी की आवाज़ आने लगी। ओके आते हैं सबसे पहले एक ये बात, बनाते हैं एक स्वॉर्ड,
ये रही। उसके बाद एक ये हमारी, ओके रुक जाओ मेरे को थोड़ी बहुत फिरी। उसके बाद हाँ क्या बनाना है मेरे को, या ये बनाना है मेरे को, ये चाहिए मेरे को, और कुछ शवल चाहिए मेरे को मिल गई। और एक काम और करना है मेरे को, थोड़ी सी चाहिए मेरे को स्टिक्स मिलगी। अब बनाते हैं थोड़े से टॉर्चेस, टॉर्चेस भी हो गए, हमारा काम हो गया। अब इसको रखो अपने पास, अब चलते हैं केव में। केव कहाँ थी वो वाली, यप आई थिंक ये वाली केव है। कौन सी केव थी वो, ना इधर की साइड केव नहीं थी, वो उधर की साइड केव थी। माइनिंग करने के लिए हमको बहुत सारा वो चाहिए, आयरन इंगेट, आयरन इंगेट। और जिन लोगों को मैंने लगता है चांदी बोली थी भाई, आयरन को ऐसे चांदी ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा दिल पे मत लिया करो बातों को इसलिए। हाँ एक बार मैंने अपनी पिछली सीरीज के अंदर ही मैंने ऐसे ही बोला था, तो तुम लोगों ने उसको सीरियसली ले लिया था बहुत। ओके ज़्यादा बड़ी लग नहीं रही मेरे को। ओके ओके मिल गया मेरे को, आयरन मिल गया फटाफट से। ओके आयरन ये रहा, इधर भी ये रहा आयरन, जितना तोड़ सकता हूँ तोड़ लूंगा मैं। गाइस मेरे पास इनफ इकट्ठा हो गया है, और उधर चलते हैं कुछ है। ओ एल्डर, एल्डर मैन, ओ शिट यहाँ पे एल्डर था, एल्डर जो बोलते हैं उसको, वो था। नहीं जाना उधर, बिल्कुल नहीं जाना, इसे तैसे मार देगा हमारे वो। ओ भाई ऊपर सीधा वो ही है फ्लोर। ओके भाई हमारे पास इनफ रिसोर्सेस इकट्ठे हो गए हैं। ओ यहाँ पे भी कुछ है, चेक कर लेते हैं क्या है, ये भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाए हमको यहाँ पे। आयरन भी काफी है, ये सारी गुफाएं एक दूसरे से अंदर से कनेक्टेड हो रखी हैं। ओके आओ पने इसको यहाँ रखो, होते रहेंगे हमारे ये तब तक। ओ शिट मैं भी भाई पागल हूँ, चिराग तू सही में पागल है, तू ऐसे कहीं भी कूद जा रहा है भाई फालतू में। ओ फक शिट तेरी शॉट कहाँ गई है री? तेरी ऐसी तैसी भाई, रुक ले ले मर 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 मर, तेरी ऐसी तैसी स्केलेटन, मर मर मर, मरता क्यों नहीं? ओ फाइनली मर गया, मेरे को नीचे नहीं गिरना था, मैं नहीं तो मर जाता मैं सही में, इधर में मर जाता आराम से। आई थिंक मेरे जो आयरन वगैरह हैं वो हो गए होंगे। ओ और आयरन, मोर आयरन, मोर, यप कम ऑन, बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। थोड़े से मैं ऐसा करता हूँ और डाल देता हूँ स्टिक्स। ओके ऐसा करते हैं, आप आयरन की बनाते हैं स्वॉर्ड, ये आयरन स्वॉर्ड आ गई हमारे पास, और इसको यहाँ रखते हैं। ये हमारे पास पिकैक्स आ गई, स्वॉर्ड होगी, और एक इधर एक इधर, और स्टिक्स और चाहिए। ओके मेरे को चाहिए ये आयरन की पिकैक्स। ओके एक चाहिए हमें आयरन शवल, शवल भी आ गई, और एक मेरे को चाहिए एक शील्ड, शील्ड। ओके ऐसे बनती है, मुझसे गलती हो गई थी, सॉरी गाइस, आई एम रियली रियली वेरी सॉरी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब एक काम करता हूँ कि मेरे पास अब इतना सामान हो ही गया है, तो मैं एक चेस्ट बना लेता हूँ अपने लिए। ओके चेस्ट फिलहाल मैं सब ये टेम्परेरी बेसिस पे वर्क कर रहा हूँ मैं, अपना बात देखेंगे घर जब होगा। वह भाई यार आ जाना, क्यों तंग कर रहा। ओके चेस्ट को यहाँ रख दो, अपनी ये स्टोन रहन दो, एरो रख दो, स्लैब्स फूड चाहिए अपन को, स्टोन्स ये रख दो, ये भी रख दो, ये भी रख दो। ओके अभी फिलहाल शॉर्ट ये रही मेरी, ये मेरी ये रही, ये रही, और राइट। तो अब क्या करो, अब मेरे को एक काम और करना है कि मेरे को खाना बनाना है ना अपना, तो इसको वहाँ रख दो, और उधर कोई खाने के लिए ढूंढना पड़ेगा मेरे को।
तब तक ले ब्रेड खाते हैं। ओके मेरे को भी यहाँ पे थोड़ा और सीन देखना पड़ेगा। ये भी मिल गया मेरे को। ओके रात होने वाली है तो फटाफट ऐसे करता हूँ, मैं जहाँ पे मेरा अपना चेस्ट वगैरह रखे थे मैंने वहाँ पे चलता हूँ, और एक काम और करता हूँ यार, अभी इतनी भीड़ ऑलरेडी है यहाँ पे, तो अगर मैं एक दो को मार दूंगा तो इसका कुछ नहीं घुसेगा भाई, सही में कुछ नहीं घुसने वाला। भूख लग रही है, गिव मी सम फूड टू भेड़ एरिया। ऐसे कैसे? ओके फटाफट चलता हूँ मैं, बैट बनाएंगे और एक आराम से छक्के मारेंगे। या वो एक बनाते हैं आयरन का हेलमेट और एक बनाते हैं लेगीस। ओके ये हो गए, ये हो गया। मेरे को थोड़े बहुत वो चाहिए और आयरन चाहिए होगा मेरे को, तो अब मैं यहीं पे खुदाई करने वाला हूँ। गाइस मैं भी यहाँ पे खुदाई कर रहा था, और तुम देखो मेरे को यहाँ पे क्या मिला है, एक माइन शाफ्ट। रियली में गाइस मेरे को यहाँ माइन शाफ्ट मिल गई है। मैं एक काम करने वाला हूँ कि यहाँ पे मैं एक पहले बंद कर दे रहा हूँ, और निशानी के तौर पे एक काम करता हूँ मैं ऊपर की साइड स्ट्रेट खोद देता हूँ, ताकि मेरे को याद रहे कि यहाँ पे एक माइन शाफ्ट थी। ठीक है, तो फिलहाल क्या करते हैं, यहाँ से जितना हो सकता है मैं आयरन खोल लेता हूँ। भाई सही में माइन शाफ्ट तो यहाँ पे स्पॉनर भी होगा, और यहाँ पे अगर स्पॉनर होगा तो भाई मैं यहाँ पे अपनी एक वो वाली बहुत मस्त चीज़ बना सकता हूँ। क्या बोलते हैं, एक्सपी फार्म। तो एक्सपी फार्म नेक्स्ट एपिसोड पर देखेंगे हम लोग, फिलहाल तो मैं यहाँ पे जिस चीज़ खोज में आया हूँ मैं उस चीज़ को करते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे चलते हैं आराम से। खोदते खोदते यहाँ तक आ गया गाइस, और देखो भाई कितनी बड़ी माइन शाफ्ट है ये, भाई देख रहे हो यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है इसकी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ खोद के। ओके वहाँ लावा भी है, और यहाँ तक जा रही है पूरी माइन शाफ्ट। भाई सही में ऐसा करते हैं, एक बार यहाँ पे थोड़ा बहुत चेक कर लेते हैं, क्या पता हमको कुछ ढंग की चीज़ मिल जाए। भाई आयरन यहाँ पे काफ़ी सारा है, काम करते हैं लेते हैं और यहाँ से मारते हैं कल्टी। ठीक है, पता लगा क्रीपर क्रीपर यहाँ से नीचे गिरने लग गए, तो हमारी ऐसी तैसी और हो जानी है। आराम से अंदर रहो, अंदर रह के माइनिंग करते हैं यहाँ पे। ऑलराइट गाइस तो मैं ऊपर आ चुका हूँ और मेरे पास भी तक हो गए हैं, फिर खुल जा भाई। हाँ जी मेरे पास 18 आयरन और हो चुके हैं फिलहाल के लिए, तो आज इतने में लगता है हमारा आयरन आर्मर कंप्लीट हो जाएगा। तुम देख सकते हो कि मैं अभी कैसा लग रहा हूँ। हे गाइस कैसे हो, मस्त ना सब? भाई कितना सही लग रहा है, मेरे को अपनी स्किन ना चेंज करनी पड़ेगी। प्लीज़ मुझे बताना कि स्किन्स के चेंज करते कैसे हैं। ठीक है वेल गुड, अब देखते हैं चेस्ट प्लेट। ओके चेस्ट प्लेट भी बन के रेडी होगी हमारी। चाहिए लेगी 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 या पियरी पैंट। ओके पैंट भी हमारी हो गई, पैंट भी पहन लेते हैं गाइस। ऑल राइट गाइस तुम देख सकते हो कि हमारा फाइनली एक पहले एपिसोड के अंदर ही हम लोगों ने अपना हार्बर कंप्लीट कर लिया है पहला स्टेज का, जो तो कि बहुत बढ़िया बात है। अब बारी है घर वर बनाने की, तो और बर्चवुड का ट्राई करूँ मैं एक बार। तो गाइस जिसको भी लगता था मैं नूब हूँ, भाई मैं नूब नहीं हूँ। ठीक है ना, थोड़ा बहुत नूबपंती चलती है लेकिन इतना भी नूब नहीं हूँ मैं, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी करनी पड़ती हैं। तो हम देखते हैं अभी घर कहाँ बनाएंगे। तो फिलहाल मेरा घर होगा ये मेरा होगा जस्ट ऐसे ही रहने के लिए, तो हम लोग यहाँ से चलने के लिए रेडी हैं। हाँ तो वाटर जो हमारा वाटर एरिया था वो था उधर की साइड, इधर थोड़ा सैंड एरिया भी है। ओह बहुत ही सही। ओके वैसे इधर सही रहेगा भी हमारा घर बनाना। वहाँ की साइड कुछ मेरे को दिख रहा है। ओके एरिया को साफ करते हैं, वैसे भी हमारा टेम्परेरी बेसिस पे घर है ना, तो इतना फिर क्या सोचना है ना। यहाँ पे काफ़ी सारे रैबिट भी हैं, तो पहले क्या करो, अपनी मैं चेस्ट को निकालता हूँ यहाँ पे, फालतू का सामान रख लेता हूँ।
गाइस अगर तुम्हें बारिश की आवाज़ आए तो प्लीज़ हमको तहे दिल से माफ़ कर देना। एक दो तीन, एक और ये और एक लगाओ। यार फेंक क्यों देता हूँ यार मैं हर सामान। ओके एक काम करते हैं, मेरे पास स्टोन होगा ना। ओके स्टोन का ये ले लो और स्टोन की ये बनाओ, कुछ ऐसे बनता है ना। ओके ये हो गया। ओके अब अच्छा स्टार्ट करता हूँ, मैं ऐसे बनाता हूँ मैं ताकि थोड़ी बहुत डिज़ाइन लगे। अरे गलती कर दी मैंने, शेट। इसको यहाँ 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 इधर इधर, ठीक है। ओके ऑलराइट गाइस, क्या तुम मेरे घर देखने तैयार हो? मेरा सस्ता टिकाऊ और खूबसूरत घर रेडी हो? हैं रेडी हो? ओके 3 2 1 या टेटेड़ा। ये हो गाइस, इतना ऑसम लग रहा है, देख रहे हो भाई? या ये देखो कितना सही लग रहा है यार ये, है ना। मैं तुम्हें दिखाता हूँ अंदर से मैंने क्या किया है। मैंने एक बर्च लगा दिया है, मतलब मैंने बर्च और ओक के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके घर बनाया है, ठीक है। इधर की साइड मैंने फिल कर दिया है, इधर की साइड का कुछ करना बाकी है। और या यही है मेरा घर, स्टोन प्लस वुड कॉम्बिनेशन। आई होप तुम घर अच्छा लगा होगा। पर बाहर निकल जा भाई, क्यों थक रहा है? ओके और मैं हमारी डिज़ाइनिंग विज़ाइनिंग करूँगा बाद में। वैसे भी हमारा टेम्परेरी हाउस होने वाला है तो इतना इसको सजावट करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा कुछ होगा तो हम किसी विलेजर को एक घर पकड़ा देंगे। वैसे ये घर इतना बुरा लग भी रहा है किसी विलेजर के रहने के लिए, तो या ये घर एक विलेजर के लिए हो जाएगा बाद में जाके, क्योंकि इतने सारे घर हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे पूरा विलेजर के लिए सिटी टाइप बना दूंगा मैं। तो गाइस आज के इस एपिसोड को हम लोग यहीं रखते हैं। आई होप कि तुम लोगों ने इस छोटे से एपिसोड को एंजॉय किया होगा। आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने अपना आर्मर बनाया, अपना एक प्यारा सा ये घर बनाया जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। विलेजर्स हमारे घर के पास ही थे जहाँ पर हम स्पॉन हुए, तो काफ़ी कुछ हो गया आज इस एपिसोड के अंदर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। सो गाइस मिलता हूँ तो सबसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय।